हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भिंडी की भुजिया बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको 1 किलो भिंडी चाहिए, 2 आलू, 1 टमाटर, प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें चाहिए। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ा ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स देखिए, अब हमने भिंडियों को बारीक बारीक काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं, अपने हिसाब से काट लिए। आलू के स्लाइसेस कर लिए हमने, प्याज के कर लिए और हरी मिर्चों के हमने 2 स्लाइसेस करे हैं। टमाटर को भी हमने स्लाइसेस में काट लिया। अब हम इनको सबको फ्राई करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम अपनी कढ़ाई को, पैन को मतलब गरम करेंगे। जब हमारा पैन गरम हो जाए तो हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 2 चम्मच। फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें ओनियन को ऐड कर देंगे, प्याज फ्राई करेंगे सबसे पहले। हमारी प्याज फ्राई हो गई, अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची तो हमने काटी थी, और पटैटो भी डाल देंगे, आलू। और हम अब इसे रेड होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी, नमक, जीरा और लाल मिर्चें डालेंगे। ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। और जो भिंडी हमने रखी थी, वो भिंडी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। ढक के सिम कर देंगे और उसके बाद हम 5 मिनट बाद खोल के देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारी भिंडी जो है वो बन चुकी है। अब हम इसमें जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, जो कि हमने घर में भून रखा है, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। इससे हमारी भिंडी का टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। ये फ्रेंड हमारा कंप्लीट लुक है। हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है और वो ऐसी लग रही है। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।